हम बात कर रहे हैं SJVN की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल छोटे मोटे अपसाइड के साथ हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक 129.80 पैसे पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। लगातार गिरावट में स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है। SJVN देख सकते हैं जंप आ रहा है, रिजेक्शन ले रहा है और लो को अपने रिसेंट लो को ब्रेक डाउन कर रहा है। यहाँ से रिजेक्शन लिया है, जहाँ से इससे पहले सपोर्ट लिया था स्टॉक ने 124 इमीडिएट सपोर्ट है इसका, और ब्रेक डाउन करके SJVN 120 तक का फॉल दिखा सकते हैं। 120 फिर इसका आखिरी सपोर्ट है, इस लेवल का ब्रेक डाउन मतलब फिर 100 तक की गिरावट, फिर 100 तक का भी फॉल दिखा सकता है। हम देख सकते हैं स्टॉक जो है जंप पर रिजेक्शन ले रहा है और अपना रिसेंट लो ब्रेक डाउन करते हमको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा हमको इंतज़ार करना ठीक रहेगा फ्रेश बाइंग के लिए। चाहे तो नीचे की ओर 124-120 के आसपास थोड़ी थोड़ी बाइंग की जा सकती है, पैसा आपका है, चॉइस आपकी है। हम कोई बाय सेल या होल्ड के लिए रिकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर स्टॉक में जंप आता है तो इससे पहले कहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है 135 का लेवल, ये इमीडिएट टारगेट बनेगा, पहला टारगेट बनेगा। और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट जो जंप देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हो जहाँ से रिजेक्शन के बाद लगातार गिरावट दिखाई है स्टॉक ने 140 का लेवल। तो जब तक स्टॉक बाउंस बैक करके 140 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक अच्छा मोमेंटम और अपसाइड का कंफर्मेशन नहीं मिल सकता। तो SJVN के लिए अब इम्पॉर्टेंट है इसका ये हाई 140 का लेवल। जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक लगातार अपसाइड, अच्छा मोमेंटम और बड़े टारगेट नज़र आना, इसमें बड़ी तेज़ी नज़र आना मुश्किल है। तो अगर आप पोजीशंस बनाते भी हो तो 140 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है, उसके आसपास जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको बुक कर लेना ठीक रहेगा। फिर इसके ब्रेकआउट के बाद अगर सस्टेन हो जाता है तो दोबारा से एंट्री ली जा सकती है, लेकिन हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।